हेलो एवरीवन, मैं शिता तिवारी नैनीताल उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। नमस्कार, मैं परिचय पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ और गुडनेस इंटरव्यूज के इस अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब जरूर होता है और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो है जुनून। बिल्कुल, जिस देश में एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनकर उसे आगे बढ़ा सकता है, उस देश में अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी लेके आए हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी जो एक चाय की दुकान चलाते हैं, पर उनका ख्वाब था लेखक बनना। कहानियाँ लिखना हुनर ही नहीं, एक कला भी है। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही कलाकार हैं, श्री लक्ष्मण राव जी। सर, दर्शनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ रहा है बेटा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ बताइए। सर, वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, पर क्योंकि आज आप यहाँ पर आए तो करते हैं कुछ चाय पे चर्चा। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। सर, सबके जिंदगी में उनका एक आइडियल होता है, जैसे मेरे लिए मेरे मम्मी पापा। आपकी जिंदगी के प्रेरणा या इंस्पिरेशन आप किसे मानते हैं? जो कि मुझे लेखक बनना था, तो मैं गुलशन नंदा जी के पुस्तकें पढ़ रहा था उस टाइम। जब 50 साल वर्ष पहले गुलशन नंदा जी एक बहुत ही फेमस उपन्यासकार थे हिंदी भाषा के, और मैं उनकी पुस्तकें पढ़ता था, और उनकी पुस्तकें पढ़कर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं गुलशन नंदा जी क्यों नहीं बन सकता हूँ। ये सोचकर मैं दिन प्रतिदिन प्रयास करने लगा, उनकी पुस्तकें भी पढ़ने लगा, हिंदी भाषा को भी पढ़ने लगा, और भी पुस्तकें पढ़ने लगा। तो मेरे प्रेरणा के स्रोत गुलशन नंदा जी हैं। That's great. सर, मैंने सुना है कि रामदास आपकी पहली बुक थी और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक भी। जी, तो ये रामदास, हाँ। बोलिए। ये जो रामदास है, देख रहे हो आप, दिख रही है पुस्तक रामदास? हाँ हाँ ये, हेलो, हाँ ये किताब रामदास है, और ये रामदास हमारे गांव का लड़का था। ये एक दिन मामा के गांव जा रहा था, रास्ते में नदी पड़ती है, और वो नदी में नहाने के लिए उसने छलांग लगाई और डूबकर मर गया। लेकिन बाद में उसके जीवन के बारे में पता चला कि वो तो बहुत धाड़सी लड़का था और पढ़ने वाला नहीं था, आवारा टाइप का था। उसको अध्यापक ने किस तरह से बनाया, आदर्शवाद सिखाया, अध्ययन सिखाया, पढ़ाई सिखाई, और ये सब हमारे हमें जब सुनने को मिला तो हमने कहा इस पर एक उपन्यास लिख सकते हैं हम। तब ये मैंने उपन्यास लिखा और ये सबसे ज़्यादा बिका, और इसी से मुझे आगे के रास्ते मिले कि मैं एक लेखक बन सकता हूँ, मैं पुस्तकें लिखकर लेखक बनकर आगे बढ़ सकता हूँ। जी, That's so nice, sir. बहुत बढ़िया जी। सर, हमारे पास अपना खाली टाइम को बिताने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे टीवी, कंप्यूटर या फिर कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेना। जब आप छोटे थे तब तो आप अपने खाली समय में क्या करते थे? क्या आपको बचपन से ही लिखने का शौक था? हाँ, जैसे कि आपने बहुत अच्छा पूछा है कि हम जब खाली होते हैं तो टीवी वगैरह देखते हैं, नेट देखते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उस समय ये चीजें नहीं थी। हम जब बच्चे थे, अब मेरी उम्र इस समय 68 ईयर्स की है, और 22 जुलाई 1952 का मेरा जन्म है। ये मेरी बर्थडे है, बर्थडे तो है। आज मिल रहे हैं बच्चों, लेकिन बच्चे पुस्तकें नहीं पढ़ते, लेकिन हम पुस्तकें पढ़ते थे। और आज बच्चों को या जनमानस को जो भी बनने के लिए कुछ चाहिए तो वो पुस्तकें हैं, और हम जो बने वो पुस्तकें पढ़कर बने। और संस्कार, आपके संस्कार क्या है, आपके माता पिता आपको संस्कार बताएंगे, सिखाएंगे, उसके बाद आप बड़े होंगे और आपके संस्कार कहाँ तक जाएंगे, विधानसभा तक, संसद भवन तक,
तो जब तक संस्कार नहीं है तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये संस्कार भी हमें अपने माता पिताओं ने सिखाया कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है। तो साहित्य के साथ साथ हम बहुत कुछ आगे बनते गए, पढ़ते गए, सीखते गए और यहाँ तक पहुंच गए। जी वाह सर। सर क्या आपको फिल्में देखने या गाने सुनने का शौक है? हाँ ये बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी बात, क्योंकि फिल्मों से ही हमें प्रेरणा मिली। अगर गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ते थे तो हम फिल्में भी बहुत देखते थे, राज कपूर की फिल्में, साधना की फिल्में, राजेंद्र कुमार की फिल्में। वो हमारे लिए बहुत अच्छे लोग थे, आदर्शवादी कलाकार थे। आज फिल्में नहीं है बच्चों के लिए, और हमने फिल्मों से बहुत कुछ सीखा है, गाने सीखे हैं, गानों से हमने प्रेरणा ली है कि बहुत से अच्छे गाने थे वो हमें प्रेरणा देते थे, उनके शब्द हमारे मन को छू जाते थे। तो हमें जो साधन था उपन्यास पढ़ना या फिल्में देखना, बाद में हमारा शौक भी बन गया फिल्में देखना। फिर एक एक फिल्म अच्छी लगी तो हमने तीन तीन बार देखी, चार चार बार देखी, जैसे कि अखियों के झरोके से, सत्यम शिवम सुंदरम, शर्मिली, इस तरह से फिल्में जो थी वो हम बार बार देखते थे, हमें और प्रेरणा मिलती थी। तो ये हमारा शौक रहा फिल्में देखना। तो आप किस तरह की फिल्में देखना या गाने सुनना पसंद करते हैं? हाँ मैंने कभी कविता लिखी है, कविता तैयार हो जाता है, लग गया हमारी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। हेलो सर, आप कहाँ से हैं और क्या आप मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बताइए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अभी तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, पिछले 45 वर्षों से मैं दिल्ली में हूँ। 1975 में मैं दिल्ली में आया था, उसके पहले मैं महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है, मेरी मातृभाषा मराठी है, और जहाँ मेरा जन्म हुआ है उस गांव का नाम है तड़ेगांव दशासर, तहसील धावनगांव, जिला अमरावती, मैं वहाँ से हूँ। और हिंदी भाषा हमारे महाराष्ट्र में नहीं थी, और मुझे लिखने का शौक हिंदी में था, तो मुझे लगा कि हम दिल्ली जाएंगे या इलाहाबाद जाएंगे या बनारस जाएंगे, वहाँ हिंदी भाषा है और अच्छी हिंदी भाषा है, इसलिए हमने दिल्ली को चुना और दिल्ली आ गए। पहले भोपाल आए फिर दिल्ली आए, तो दिल्ली में प्रकाशक भी थे हिंदी के, हिंदी भाषा के, इसलिए हमें यहाँ आना बहुत आवश्यक था। और वैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, और जब मैं दिल्ली में आया था तो मैं 10वीं पास था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे जब पत्रकार इंटरव्यू लेने लगे तो पूछते थे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तब मुझे लगा जब चाहिए। मैंने अपने 66 वर्ष में इग्नू से एमए किया हिंदी लिटरेचर में, ये मेरी शिक्षा रही। सर मेरी मम्मी का भी दिल्ली होम टाउन है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। तो आपके घर में अभी कौन कौन है? हाँ मैं हूँ, मेरे दो बेटे हैं और उनकी मदर है, हम चार लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, रेंटेड हाउस है निर्माण विहार के पास रहते हैं शकरपुर में, और अभी रेंटेड हाउस में रहते हैं, और हम चार लोग हैं, बच्चे काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, LIC में काम करते हैं, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका। और मेरी जो शॉप होती है, आपने कहा था चाय बेचते, लेकिन अब हमने 2 साल हो गए चाय हमने बेचना बंद कर दिया है, अब हमारे पुस्तकें
हाँ बताइए सर, आपको किसी ने ऐसा नहीं कहा कि कहाँ रीडिंग में या लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, या डिमोटिवेट करने की कोशिश भी की होगी ना? नहीं नहीं बात यह है कि अब मुझे, मैं दिल्ली में आता लेखक बनने के लिए, हालांकि लोग कहते थे इसमें पैसा नहीं है, इसमें बहुत संघर्ष है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आज हमने 45 वर्षों में ये पाया कि बहुत बड़ी बात है ये, कोई कर नहीं सकता है जो हमने करके दिखाया है। और लोगों ने हमें कहा था, लेकिन हमने लोगों का कहना नहीं माना, हमें अपने मर्जी से अपना काम करना था, वो हमने किया है जी। वाओ सर, आपकी हर एक बात सुनके हम बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर। जैसे मुझे रीडिंग करने का बहुत शौक है और मेरी मम्मी मुझे उसमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, आपके साथ क्या कोई ऐसा था जिसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करा उस पूरी जर्नी में? नहीं नहीं नहीं, बस मैं पुस्तक के पढ़ता गया, पुस्तक के पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये भी पुस्तक पढ़नी चाहिए, वही पुस्तक हमें बताती थी कि आगे क्या पढ़ना है, आपने डिक्शनरी पढ़ना है, शब्दकोश पढ़ना है, हिंदी साहित्य के ग्रंथ पढ़ना है, एजुकेशन भी पूरा करना है, तो ये चीजें अपने आप आई। और इस एजुकेशन में मार्गदर्शन नहीं होता किसी का, इसमें गाइडलाइन नहीं है, जितना आप करोगे स्वयं होकर करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और दूसरे के मार्गदर्शन में करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरे के मार्गदर्शन में केवल वो निर्देश करते हैं, आदेश करते हैं ऐसा करो, हम वो कर नहीं पाते, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो हमारे तय तक नॉलेज होता है, इसलिए हम कर लेते हैं उसे। जब आप चाय बेचते थे तो आप कई लोगों से हर रोज बात करते होंगे, क्या आप हमारे साथ कोई फनी किस्सा शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ चाय की दुकान पे हुआ हो? आप बात करिए, आप प्रश्न करिए, यही चीजें होती थी जो आप पूछ रहे हो, जो आप पूछ रहे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न करके आते करते थे लोग, बातचीत होती थी, वार्तालाप होता था, आप जो प्रश्न करते वही प्रश्न पड़ी है क्या, वो पेपर पढ़ते हो क्या, हिंदी का पढ़ते हो, अंग्रेजी का पढ़ते हो, मराठी का पढ़ते हो, ये सब चर्चा होती थी, ये आप भी कर रहे हो और अब करिए आप चर्चा। सर मैंने पढ़ा है कि आपको राष्ट्रपति जी से भी प्राइज मिला है। हाँ, राष्ट्रपति ने एक अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में हमें पूरे परिवार के साथ बुलाया गया था राष्ट्रपति भवन में, और 23 जुलाई 2009 में हम वहाँ गए थे, और बहुत सम्मान रहा, वो एक अति विशिष्ट व्यक्ति का प्रोग्राम होता है, जो देश में हमारी तरह लोग जो विपरीत परिस्थितियों में देश के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को वहाँ बुलाकर उनका स्वागत किया जाता है। वो कोई पर्टिकुलरली कोई पुरस्कार नहीं था, वो पुरस्कार से भी बड़ी बात है, वहाँ जाना, वहाँ भोजन वगैरह, बैठना राष्ट्रपति के साथ आधा एक घंटा बैठना, उनसे बातचीत करना, जैसे आप लोग हमारे साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि किसी अकेले परिवार को राष्ट्रपति जी आपके राष्ट्रपति भवन में बुला कर हमसे बात करते हैं, तो वो पुरस्कार से बड़ी बात हो गई है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हमें मिली है, और हालांकि इसके बाद हमें भारत सरकार राज्यसभा के मेंबर भी बना सकते हैं, किसी साहित्य संस्था के अध्यक्ष भी बना सकते हैं, सदस्य भी बना सकते हैं, लेकिन वो वहाँ तक हम पहुँचे नहीं, या हमने वो प्रयास किया नहीं, अगर ऐसा होता तो वो कर लेते, वो भी जाता, संभव था, क्योंकि वहाँ योग्यता की आवश्यकता है, राज्य सरकार को धनवान उन लोगों की जरूरत नहीं है, सरकार को धनवान लोगों की जरूरत नहीं है, विद्वान लोगों की जरूरत है, इसलिए विद्वान लोगों को वो बुलाते हैं, इसमें आप भी है और भी लोग हैं जो सुनने वाले हैं, हमारे श्रोता है, वो भी आज जा सकते हैं, वो अपनी योग्यता दिखाए। तो आपको जो भी प्राइज मिला है उसके लिए बहुत कांग्रेचुलेशंस। सर आपको पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने का भी मौका मिला था, वो कैसे हुआ और आपने उनसे क्या बातचीत की थी? हाँ, तो बात यह थी कि जब मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो उसके बाद उस समय मैं पान बीड़ी बेचता था, एक चबूतरा बनाकर पेड़ के नीचे बैठकर पान बीड़ी बेचता था, और बहुत से लोग मेरे पास आते थे, उसमें विद्वान लोग भी होते थे, पान वगैरह खाने के लिए आते थे, तो वो कहते थे ये क्या है जो पुस्तकें रखी थी, तो ये मैंने कहा पुस्तक है जो मैंने लिखी है, तो उन्हें आश्चर्य होता था कि एक पान वाला कैसे पुस्तकें लिखने लग गया है। तो उन्हीं दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पेशल करस्पॉन्डेंट आई उषा राय जी,
और उन्होंने वो सब देखा, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा मेरे बारे में, दैट वाज द स्क्वायर आर्टिकल अबाउट माय लाइफ एंड पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया संडे रिव्यू इन 81, 1 फरवरी 1981 को वो टाइम्स ऑफ इंडिया के इसमें छपा। और उसके बाद मेरा प्रचार इंदिरा गांधी जी के कार्यालय तक हुआ। वो अपने सांसदों को उदाहरण देते कि देखो एक महाराष्ट्र का लड़का दिल्ली में आकर पेड़ के नीचे बैठकर पुस्तकें लिखता है, आप लोग क्या करते हो। तो एक दिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया, उन्होंने कहा तुम चलो वहाँ पर, तुम मिलो, तुम्हारी चर्चा होती है। उस टाइम तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन 27 मई 1984 को मैं 3 मूर्ति भवन गया हूँ, वहाँ एक कार्यक्रम था और वहाँ मेरी इंदिरा गांधी जी से मुलाकात हुई। उनको मैंने अपना परिचय दिया, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया और मैंने ये भी कहा कि मैं आपके बारे में लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग क्या करते हैं वो लिखिए आप, हमारे बारे में बहुत लिखा है। तब मैंने एक नाटक लिखा प्रधानमंत्री और वो प्रकाशित भी हो गया, है ना। सर आपकी किताब में ज्यादातर ये प्रधानमंत्री नाटक है, दिख रही पुस्तक। हाँ बताइए। सर आपकी किताबें ज्यादातर सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, आपने ये सब कैसे सोचा? हाँ, मेरी पुस्तकें, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, मैं जो भी लिखता हूँ सत्य घटनाओं पर ही ये मैंने बहुत उपन्यास लिखे हुए हैं, रामदास, नर्मदा, समझे ना। देखिए ये मेरी पुस्तकें हैं, ये देखिए, है ना, दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ, ये रामदास, नर्मदा, ये सारी सत्य घटनाओं पर ही लिखी है। जैसे कि जो कैरेक्टर मुझे सामने दिख रहा है और उसके बारे में कोई चर्चा होती है तो फिर उसके ऊपर मैं लिखता हूँ। तो ऐसे ही मैंने दंश लिखा, जो एक पंजाबी लड़के के नवयुग पर था। इसी तरह से मैंने पत्तियों की सरसराहट लिखा, जो एक कहानी है लड़की के बारे में। एक रेणु लिखा, जो मेरे दुकान के पास ही पढ़ने आती थी, तो उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना, तो फिर हमने उस पर लिखा। और बहुत सारी किताबें, अब हम अर्थशास्त्र पर, राजनीति पर, महात्मा गांधी पर, ये भी लिखा है। तो जो भी है वो सत्य घटनाओं पर लिखता हूँ जी। तो सर जो आपसे बुक्स लिखी है, आपने उन्हें पब्लिश कैसे करा? हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा आपने। जब पहली बार जब मैं प्रकाशकों के पास गया था 2 पुस्तकें लेकर, तो बहुत से ने कहा पैसे लगते हैं, बहुत से ने कहा वगैरह वगैरह। एक ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, यू डोंट नो व्हाट इज द पब्लिकेशन। तब मुझे लगा कि मुझे स्वयं करना चाहिए। तो तब मेरे पास 5-6 हज़ार रुपये थे, उसमें मकान मिल सकता था, 50-60 गज का मकान मिल सकता था दिल्ली में, वही 1978 की बात है। लेकिन वो मकान नहीं लिया हमने, जगह नहीं ली, लेकिन पहली पुस्तक प्रकाशित की। इस तरह से धीरे धीरे ये काम चलता रहा और अब हमारी इतनी सारी पुस्तकें प्रकाशित हो गई है, समझे ना। ये देखिए, ये ऐसी किताब है, पब्लिश हो गई है। तो हम उस प्रकाशक को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें गेट आउट कहा था। अगर वो हमें गेट आउट नहीं कहते तो ये नहीं होता। हमने उनको करके दिखाया, ये असंभव नहीं है। अगर हम किसी से सहारा नहीं ले सकते हैं तो अगर वो काम नहीं बनता है तो खुद करो, हो सकता है। बस उसकी नीतियाँ है, उसके मार्गदर्शन है, उसकी व्यवस्था है, वो करिए आप, संभव है, असंभव नहीं है। तो जो भी आपने बातें बताई ये सब मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी देखी हैं, आपकी बहुत सारी वीडियोस में। सर अपनी किताबों में से आपकी सबसे फेवरेट किताब कौन सी है? मेरे लिए तो सारी फेवरेट है जो मैंने लिखी हुई है, जो ज्यादा बिकते, लेकिन रामदास सबसे ज्यादा बिका है। रामदास, नर्मदा, पत्तियों की सरसराहट, उपन्यास सबसे ज्यादा बिके हैं और लोग पढ़ते हैं। एक उपन्यास पढ़ने वाला होता है, उसे रामदास पसंद आ गया तो वो नर्मदा भी खरीद लेता, पत्तियों की सरसराहट भी खरीद ले। लेकिन व्यक्तिगत रूप से लेखक की कोई एक किताब अच्छी और खास नहीं होती, व्यक्तिगत विचारधाराएं होती है कि वो किसे पसंद करता है। लेकिन लेखक के लिए सारी किताबें वो अच्छी होती है और लेखक प्रयास करता है कि मेरी किताबें निरंतर छपती रहे और पाठों तक जाती रहे, ये उसका अपना प्रयास होता है। आई एम श्योर सर कि आपके रीडर्स की भी फेवरेट होगी, मैं भी इसे पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा।
सर, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे रीडिंग की हैबिट डेवलप करने को बहुत कहते हैं और हम द हस्ती के रीडिंग प्रोग्राम से ये सब कुछ सीख रहे हैं, आपके हिसाब से ये आदत कितनी जरूरी है और क्यों? कौन सी आदत, फिर एक बार बताइए। सर, जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे को रीडिंग की हैबिट डेवलप करने को बहुत कहते हैं और हम द हस्ती के रीडिंग प्रोग्राम से ये सब कुछ सीख रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये आदत कितनी जरूरी है और क्यों? देखिए, पुस्तक पढ़ने की आदत बहुत जरूरी है। पुस्तक पढ़ने से विश्व का नॉलेज आ जाता है। ये डिवाइस में कुछ नहीं है, आप जो डिवाइस देखते हो उसमें उतना ही है जितना दिया गया है, लेकिन पुस्तकें पढ़ने से आप पे भाषा पर कमांड आ जाएगा, उसको आपको नई नई जानकारी मिलेगी। और पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अगर आप कोई पुस्तक पढ़ रही है तो आप 40 पेजेस 50 पेजेस आप पढ़िए, आप ऐसे करके बैठिए कि आपको 50 पेजेस उस पुस्तक को पढ़ना है तो आप पढ़ लोगे। और आपको कोई किताब अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको रख दीजिए, दूसरी किताब उठाइए, जब आपको लगेगा नहीं इसे फिर पढ़ना है, लेकिन छोड़िए मत। अगर कोई किताब बोर भी हो रही है उसको छोड़ना नहीं है, भले ही उसे पढ़ने में 2 महीने लग जाए, लेकिन पढ़ के आना है, पढ़ना है, क्योंकि आपने पहली बार उस किताब को आपने हाथ में लिया था पढ़ने के लिए, तो ये अच्छी किताब समझ के हाथ में लिया था तो उसे क्यों नहीं पढ़ा जाए। और किताब हमेशा अच्छी होती है, पसंद अपनी अपनी है, किसी भी लेखक की कोई भी किताब वो सबको एक जैसी नहीं लगती है। अगर ये किताब मुझे पसंद है तो आप, लेकिन किताब किसी ना किसी को पसंद आती है इसीलिए वो आगे बढ़ती रहती है, तो किताब पढ़ने योग्य होती है। और खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। सर, हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, हमें आपसे बात करके बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आप अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब चाहो उन पे अमल कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। जी जी जी, वेलकम। सर, अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं, बस आप पढ़िए, अध्ययन करते रहिए, आपने जो सपना देखा है भविष्य में आपने क्या करना है, क्या बनना है, उस बनने के लिए उसी नीतियों से आगे बढ़िए। और माता पिता का आप आशीर्वाद आप पर है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, तो आप इसी तरफ ध्यान दीजिए जो आपने बनना है, और आप बन सकते हैं, असंभव नहीं है। और बस 24 घंटे है उसका लाभ उठाइए, एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसका लाभ उठाइए।